unit back. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, ऑल विल बी फाइन। तो क्लास सिक्स मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स। जैसा कि आपको पता है ना, 3.1 पहले हम पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ में। तो अब जो स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन के साथ में 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप आरएससी करवार मैथ्स पॉइंट देख रहे हैं। ओके, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका भी प्रॉफिट हो और आपके दोस्त का भी प्रॉफिट हो, दोनों को बेहतर नॉलेज मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे कई नंबर लिखे मैंने। ये इवन नंबर है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू। ध्यान दें, सभी नेचुरल नंबर, लेकिन क्या होना चाहिए, वो टू से डिवाइड होने चाहिए। अब नेचुरल नंबर ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव आते हैं, वन से स्टार्ट होकर के। देखो ये देखिए, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो इवन नंबर होंगे। एग्जांपल के तौर की बात करो ना, तो ध्यान दें, एग्जांपल लिखा है मैंने, ये देखिए आप देख पा रहे ना कुछ। ओके, कि ये स्मॉल, ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 देख पा रहा ना। ओके, अब आफ्टर दैट अगर मैं इसी की बात करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, चेक करो और ध्यान दो, टू होगा ना। देखो ये टू है, स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर है वो है मेरा टू, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर टू। ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर वही होंगे, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की बात करें ना, तो पॉजिटिव तो होते ही हैं नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, वही बात है ना, ऑड नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते। लेकिन ध्यान दें कि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना, वो ऑड नंबर कहलाते हैं, 1, 3, 5, 7। ऐसा नहीं है 7 तक ही है, 9 भी होगा, आगे तक होंगे जितने तक आप चाहते हैं, बट इसी क्रम में आने चाहिए ना। देख पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो वही 1 होगा ना। चेक करो और ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चों, ये ध्यान दो कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, वो हमारा 1 है, कि 1 से छोटा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता। बात क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इवन एंड ऑड के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इन सम फैक्ट्स, कि अगर इवन में इवन को प्लस करूँगा तो ऑड मिलेगा। ध्यान दो बेटा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोल दी, अगर इवन में इवन ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा क्या, इवन नंबर मिलेगा क्या? अब दोनों में से आपको चूज़ करना है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, जब हम इवन एंड इवन को ऐड करेंगे तो मुझे इवन मिलेगा, ऑड मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्रॉस कर दिया मैंने। अच्छा, ऑर्डर ऑड को करेंगे तो क्या एक मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। मतलब समझ में आया कि जब दोनों सेम हों और उनको ऐड किया जाए तो इवन मिलेगा, चेक करो, और जब दोनों डिफरेंट हों एक दूसरे का, इवन ऑड या ऑड इवन, तो वहाँ ऑड मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर से समझें, जब दोनों सेम सेम ऑड होते हैं तो वहाँ इवन नंबर आते हैं, और जहाँ पर अपोजिट मतलब इवन ऑड या ऑड इवन जब ऐड होंगे तो वहाँ पर ऑड नंबर आएंगे। इज इट क्लियर ना? जिनको समझ में आ रहा है वो वीडियो की लास्ट में देखेंगे, आप कमेंट लिखने का आ रहा होगा वहाँ पे, एक बार कमेंट लिख के बताएं मुझे कि यस सर, वी आर गेटिंग, आई एम गेटिंग, कुछ हमें मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं कमेंट का वेट करता हूँ और फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान दें, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। एक प्राइम नंबर क्या होता है समझते हैं इसको, बड़ा अनोखा नंबर है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो जिनके फैक्टर टू होते हैं,
जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे टू है, टू केवल टू से होगा और वन से होगा, थ्री केवल थ्री से होगा और वन से होगा, ये केवल खुद से और वन से होंगे और किसी से हो नहीं सकते, सारे मैंने लिख दिए क्या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होगा और वन से और किसी से हो नहीं सकता, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर? कुछ क्वेश्चन बनते, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, देखिए जरा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा है इनको, ये देखिए आप देख पा रहे ना, ये दिस वन राइट स्टूडेंट्स, ये लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। आप कहोगे सर 100 से ऊपर भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, लेकिन मैंने 1 to 100 के बीच में लिखा है कि टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 25 कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। अब कहेंगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूँगा तो मेरे बच्चे ये होता है 2, और इवन की बात करूँगा तो भी 2 ही होता है, क्योंकि एक ऐसा प्राइम नंबर है ये जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, अदरवाइज इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। यहाँ तक बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स कंपोजिट की बात कर लें, ये व्हाट इज दिस, चलो कोई बात नहीं, तो कंपोजिट की बात कर रहे हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, अभी पढ़ा हमने जिसमें 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम होंगे, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो कंपोजिट हो जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं भाई? 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो कंपोजिट हो जाएगा, जैसे 4 है, 1 and 2 and 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा कि नहीं हुए, चेक करो ना। 6 को 1, 2, 3 and 6, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में जिनको आ रहा है तो वो कमेंट में लिखो ना, मुझे पता चले कि हाँ आप देख पा रहे हो। तो ये हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो 1 तो होता नहीं है, 2 होता नहीं है, 3 होता नहीं है, 4 तो होता है भाई, तो इसका मतलब ये कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, चेक नाउ। ओके, को प्राइम की बात करें, को प्राइम बड़ा सुंदर नंबर है, को प्राइम नंबर नहीं नंबर्स होंगे, क्योंकि 2 नंबर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, चेक करो और ध्यान दो। 2 and more than 2 नंबर्स विच हैव नॉट एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1, सेम फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर। तो मेरे बच्चे 2 या 2 से अधिक जितने भी नंबर होंगे उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, फैक्टर कॉमन नहीं होगा कोई भी, 1 को छोड़ करके वो क्या होगा हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। बात क्लियर है ना? एग्जांपल देखो 2, 3, अब 9 and 16 ही ले लो, अगर मैं 9 को करूँगा 3 into 3, 16 को करूँगा 2 into 2 into 2 into 2, इट मीन्स कोई नहीं मिल रहा, इसका मतलब तो भाई ये को प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही होगी? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते। तो स्टूडेंट्स बिना देरी के एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 2, किन्हीं 2 का सम क्या होगा, वो 2 हैं क्या भाई? फर्स्ट तरह का ऑड नंबर, अभी जस्ट बताया मैंने इंट्रो में कि अगर कोई भी 2 ऑड हो या इवन हो वहाँ रिजल्ट इवन आता है, इवन आता है ना। एग्जांपल के साथ देखें आप लोग, सॉरी ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो 8 आया, चलो एक से अदर एग्जांपल दिए, 5 and 7 दोनों ऑड हैं तो भी आया क्या इवन, या ऑड नहीं है इवन, ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन। बात क्लियर है ना? फिर से ध्यान दो, जब 2 ऑड को या 2 इवन को ऐड करूँगा तो इवन आएगा ना, दैट मीन्स इवन, चेक करो, कभी कभी कुछ गड़बड़ बोल देता हूँ तो ध्यान दें। मेरा कहने का मतलब आप अवेयर हैं कि नहीं है, मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड का एग्जांपल लेते हैं, इवन नंबर, भाई इवन इवन को ऐड करूँगा तो इवन आएगा ना, वही बात कि अगर 2 सेम नंबर हैं तो रिजल्ट इवन में आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा इवन में आएगा। तो सेकंड एग्जांपल क्लियर हुआ, सेकंड एग्जांपल आपका क्लियर हुआ, ये आप देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें ताकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए राइट 14 and 6 का एग्जांपल देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
ये क्वेश्चन नंबर टू पर ध्यान दें, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड ट्रू। भाई कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, भाई मैंने तो क्रॉस कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब है कि गड़बड़ है, सही नहीं है। बट कैसे नहीं सही ना, देखो वन थ्री एंड फाइव थ्री नंबर है, ऑड भी हैं, चेक करो ध्यान दो, ये ऑड है बट रिजल्ट इवन नहीं है भाई, ये ऑड है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट का मतलब है इंट्रो अगर बेहतर से बढ़ाए तो आप आराम से कर देंगे। बी की बात कर लेते हैं, बी भी बड़ा इजी है कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। देखो ऑड नंबर ये हो गया, इवन नंबर ये हो गया, जब टू ऑड नंबर का इवन होगा और इवन का इवन होगा, दैट मीन्स इवन होगा ना मेरे भाई, चेक करो और ध्यान दो। ये फोर इवन है तो ये फोर लिखा यहाँ पे, बाकी इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, सब देख पा रहे हैं, हाँ बेटा आएगा इवन, चेक करो। तो स्टूडेंट्स सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, जे तक ही है, वो सब आपको करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। ये देखिए आप सारे क्वेश्चन नोट कर पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो सारे क्वेश्चन, राइट ओके। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री बड़ा सुंदर इजी क्वेश्चन है, बशर्त आपको फोकस करना और समझना है ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है समझ लेते हैं, कि अगर वन थ्री अगर कोई प्राइम नंबर है तो थ्री वन भी प्राइम नंबर है, बट इनकी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि ये वन थ्री है ये थ्री वन है, मतलब कि उल्टे एक दूसरे के नंबर्स डिजिट की प्लेस को चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, दैट मीन्स ऐसे प्राइम नंबर हैं कोई, अगर हैं तो लिख दीजिए। तो आप सोचेंगे ज़रा, उसके बाद आंसर पर पहुँचेंगे, पहले आप सोचेंगे अच्छे तरीके से। मैंने लिखा है 17 एंड 71, देख रहे हैं इनके डिजिट चेंज हो रहे हैं, या 7 लास्ट में या फर्स्ट में, 1 पहले या लास्ट में, 37, 73, 79 एंड 97। और अगर आपको और बेहतर और लगता है कि और भी हो सकते हैं तो आप नोट करके लिखें उनको, बात क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर फोर पर पढ़ते हैं, देखते हैं, राइट डाउन सेपरेटली, मतलब कि प्राइम नंबर्स और कंपोज नंबर हैं क्या आपको बता देने, लेकिन वो भी से नीचे। देखो ये लिखा मैंने प्राइम नंबर्स, 20 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट ध्यान दो, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपोजिट नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे, कितना 20 से नीचे नीचे, इज इट क्लियर ना ओके। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, ये खुद करना आपको। क्वेश्चन को दो बार पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें और आराम से 10 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दें। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द टू ऑड नंबर। बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, समझना पड़ेगा आपको पहले कि ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी ऑड नंबर की, कि ऐसे टू ऑड नंबर लो कि हमारा 44 बन जाए, चेक करो ध्यान दो, ऐसे टू ऑड नंबर लेने कि 44 बन जाए, बात क्लियर हो रही है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 3 × 41 की तो 44 बन रहे, अगर मैं 39 + 5 भी कर सकता हूँ 44 के लिए, अगर प्राइम नंबर ही बात करूँगा मैं तो ये मिलेगा, इसमें क्वेश्चन में प्राइम नंबर नहीं बोला, दोनों तरीके से बन सकता, और भी कंडीशन हो सकती हैं ऑड की, बना सकते हो, अगर प्राइम बोला होता तो ये करते हैं, है ना। 36 की बात 18 देख लेते हैं एक बार, 18 तो 18 7 एंड 11 इक्वल टू 18 होता है, लेकिन ये 17 और 1 भी तो 18 होता है, दोनों तरीके से हो सकता है, बात क्लियर है ना। यहाँ पर ऑड होना चाहिए, आंसर ही बनाना चाहिए, दैट्स इट, जो दे रखा है वो आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, बस 2 से 3 बार पढ़ना आपको और फिर समझ में आएगा। करना क्या है मैं समझा देता हूँ, कि गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू। बहुत सारे आपको एग्जांपल देने जिनका डिफरेंस 2 आएगा, वो खुद करना है, ये आपको खुद सोचना है और फिर करना है। और बता दूँ आपको ट्विन नंबर्स उन्हीं को कहते हैं
ट्विन नंबर्स उन्हीं को कहते हैं जिनके प्राइम नंबर्स के बीच में टू का डिफरेंस होता है। थ्री एंड फाइव टू डिफरेंस आया, बाकी आप सोचेंगे और खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आप ये देख पा रहे होंगे और लिखा है इस पर नीचे डू योर सेल्फ। क्या कहानी है इसकी समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से प्राइम कौन सा है आपको पता करके लिखना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले प्राइम नंबर्स आपको बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं एक बार, पढ़ते हैं इसको, है ना। राइट सेवन कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, जिसने पढ़ा है ना उसी को पता है, जिसने बेहतर से प्रैक्टिस की उसको पता है, अदरवाइज तो सेवन कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर निकालना बहुत ट्रिकी है। ढूंढते रह जाओगे बेटा, जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक नहीं निकल पाएगा। आप सोचेंगे ना, उसके बाद बताएंगे कि हाँ ये सिक्स कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 1 to 100 के बीच में, है ना। तो लिखा है लेस देन 100, ओके। अब इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, लिखा है वैसे तो होगा नहीं, जब कंसेक्यूटिव है तो होना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, आप खुद सोच के लिखेंगे, और कोई और भी होता है तो मुझे बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, कमेंट ना करें तो भी मुझे बताएंगे कि सर ये हमारे सेवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान, चलते हैं इसकी तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम। हाँ क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, कि ऐसे थ्री ऑड प्राइम नंबर की बात करो जो कि 21 मिले, जो हमें 21 दे। भाई ऐसे कौन कौन से होंगे सोचो जरा, थिंक मोर। मैं ए बताता हूँ, 21 को तोड़ता हूँ तो 3, 7 and 11 तीनों ही ऑड है, ऐड करने पर 21 आएगा। चेक करो बेटा, 21 को मैंने थ्री ऑड प्राइम नंबर में लिखा जिनका सम 21 आता है। सी देख लेते हैं, 53 को थ्री ऑड नंबर में मैंने लिखा, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो होने चाहिए, बोला गया प्राइम भी होने चाहिए, तो ये प्राइम है, ऑड हैं और थ्री हैं, सम करने पर 53 आ रहा है। चेक करो बेटा, चेक करो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कुछ रेड से लिखा है मैंने, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, राइट फाइव पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन ट्वेंटी चेक करो, वो सम इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे प्राइम नंबर लिखो जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 20 से छोटे होने चाहिए, मैंने लिख दिए। अगर आपकी नज़र में इनसे कुछ डिफरेंट है तो ज़रूर लिखें, अदरवाइज एक्सरसाइज को तो प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं आपको, आपको एक एक क्वेश्चन करना है, कम से कम दो दो बार करना है, आपके हाथ से निकलेगा तो आपको बड़ा आराम ईजी लगेगा और आराम से आप कर सकते हो एक्सरसाइज को। जो लोग ये कहते हैं ना कि बहुत टफ है मैथ्स, वो ये कहेंगे बहुत आसान है मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहानी आपकी तरफ अग्रसर होती हुई, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ो और इसको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करो, इट्स अ डिपेंड ऑन यू, डू योर सेल्फ। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करें, सैटरडे को डाउट क्लियर होते हैं, आप सभी को पता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ध्यान दिला दूं कि एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, वो हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई, और आगे की वीडियो में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ मिलते हैं। ओके तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरा करेंगे। जिन बच्चों का डाउट है वो कमेंट में लिख करके मुझे बताएं, डाउट नहीं है फिर भी मुझे बताएं कि सर हमें जितना बड़ा है वो सारा समझ आ रहा है। कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे बता नहीं चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए इसी को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।